बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं, जहां बीएसपी प्रमुख मायावती ने विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने का दावा किया है। उत्तर प्रदेश में आज बसपा सुप्रीमो मायावती का यह बयान जरूर सुने। वोट डालने के बाद मायावती ने क्या संदेश मतदाताओं को दिया है? बता दें कि उत्तर प्रदेश में आज चौथे चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया जारी है। सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी लाइनें दिखाई दे रही है। बसपा प्रमुख मायावती भी लखनऊ के एक मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डालती नजर आई। वोट डालने के बाद मीडिया से बात करते हुए बीएसपी प्रमुख मायावती ने विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने का दावा किया। उन्होंने कहा कि बीएसपी को अकेले सभी वर्गों का वोट मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा या सपा भले जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उनके दावे धरे के धरे रह जाएं। उन्होंने कहा कि जब नतीजे आएंगे तो बसपा को 2007 की तरह पूर्ण बहुमत मिलेगा। इस मौके पर वह सत्ताधारी दल बीजेपी के बजाय सपा के खिलाफ ज्यादा आक्रामक नजर आए। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक लोग सपा की कार्यशैली से बहुत दुखी हैं। सपा जो सरकार बनाने का सपना देख रही है, इनका सपना चकनाचूर हो जाएगा। उन्होंने भी कहा कि जब जब समाजवादी पार्टी सत्ता में रही है, उस दौरान सबसे ज्यादा उत्पीड़न दलितों और पिछड़ों का हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान आज सुबह 7 बजे शुरू हो गया, जो कि शाम 6 बजे तक पड़ेंगे। विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बांदा और फतेहपुर जिले की कुल 59 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। मायावती ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मतदाताओं से ये अपील है कि ये लोकतंत्र का उत्सव है, तो इनको वोट डालने के लिए जरूर निकलना चाहिए। अपना एक एक वोट इनको जरूर डालना चाहिए। और खासकर मैं वीकर सेक्शन के लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयासों से इनको वोट डालने का अधिकार मिला है, तो इनको इस वोट का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। अपना एक एक वोट जरूर डालना चाहिए। वैसे तो मेरी सभी मतदाताओं से अपील है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इनको अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। मैडम, अमित शाह ने कल रैली में कहा कि बीएसपी अच्छी तरीके से चुनाव लड़ रही है, मुसलमानों को क्या कहना है? मैं समझती हूँ कि ये उनकी महानता है कि उन्होंने सच्चाई को स्वीकार किया है, लेकिन मैं उनको ये भी बताना चाहती हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस विधानसभा चुनाव में अभी तो 3 चरणों के वोट पड़ चुके, चौथे का आज पड़ रहा है, तो बीएसपी को अकेले दलितों का ही नहीं, मुसलमानों का ही नहीं, बल्कि अति पिछड़े वर्गों का भी और अपर कास्ट समाज का भी, अर्थात सर्व समाज का वोट बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा है। ये भी मैं उनको बताना चाहती हूँ। अब ये तो वक्त ही बताएगा, जब रिजल्ट आएगा तो मालूम पड़ जाएगा कि कौन कितना पानी में है। समाजवादी पार्टी भी दावा कर रही है कि गठबंधन जो है देखो समस्या आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी दावा कर रही है, सपा भी दावा कर रही है, तो ये ऐसा ना हो जाए कि जब रिजल्ट आएगा तो सन 2007 की तरह पूर्ण बहुमत के आधार पर अपनी सरकार जरूर बनाएगी, मुझे ऐसा पूरा भरोसा है। लेकिन मैडम, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटर उनके साथ जा रहा है और 400 सीट जीत रहे हैं, 400 तो ये तो इसकी ज़्यादातर सही रिपोर्ट तो आप क्षेत्र में जाकर मुसलमानों से पूछ सकते हैं, क्योंकि इस चुनाव में खास तौर से जो धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, तो मालूम है कि सपा शासन का मतलब है गुंडा राज, माफिया राज, ये मालूम है यूपी की जनता को, तो ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्या अखिलेश यादव को बताया जाएगा?
वो बीएसपी के बारे में नहीं, उनको अपने बारे में बताना चाहिए उनकी हालत क्या है। उनके चेहरे बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया के चेहरा बता रहा, चेहरा उतरा हुआ है उनका, उनके जो अनुयायी है उनका उतरा हुआ है। और अभी से आपने देखा होगा कि कितनी उनकी पार्टी के लोग बड़े दुखी हैं, समाजवादी पार्टी के लोग जहाँ जहाँ ये जा रहे हैं तो वो बड़े पैमाने पर उनके खिलाफ में हैं। कल भी मैंने देखा कि कल या परसों कि वो उनके खिलाफ काफ़ी हेलीकॉप्टर को घेर लिया था उन्होंने। तो हालात बड़े ख़राब हैं समाजवादी पार्टी के। अब वो बेचारे कुछ तो बोले, जो थोड़ा घना वोट तो उनको मिल जाए, तो इसलिए वो कहते फिर रहे हैं। उनके चेहरे बता रहे हैं समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, उनके मुखिया के चेहरे बता रहे हैं कि उनकी हालत जब रिजल्ट आएगा बहुत ख़राब जनता के सामने आने वाली है। मुझे जो लग रहा है, जब रिजल्ट आएगा तो बीएसपी को सन 2007 की तरह एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिलेगी। और ख़ास तौर से मैं मीडिया का कसूर नहीं बता रही, एजेंसी वाले लोग जो सर्वे अभी तक दिखाए हैं और मीडिया ने दिखाया, मैं मीडिया की कसूरवार नहीं हूँ, उनको कसूरवार नहीं ठहराती हूँ, जो एजेंसियों ने अभी सर्वे दिखाए हैं, तो मैं समझती हूँ ये सन 2007 में भी ऐसे ही सर्वे दिखाए थे। जब रिजल्ट आया था तो बीएसपी नंबर वन पर आई, इस बार भी सर्वे वालों का सर्वे धरा का धरा रह जाएगा और बीएसपी नंबर वन पर आएगी। आपको 208 क्या उम्मीद लग रही है? आपको 208 मिले थे 2007 में, क्या लगता है इस बार आगे बढ़ेगी? मैं जो आपको बता रही हूँ, बीएसपी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिलेगी, आपको इंतजार करना है। थैंक यू मैडम। तो वो इनकी समाजवादी पार्टी की कार्यशैली से बहुत ज़्यादा दुखी रहे हैं। मुसलमानों का ज़्यादातर ये मानना है कि 5 साल तक हमने इनकी सेवा की, लेकिन जब टिकट देने की बात आई तो जो वो तैयारी कर रहे थे तो वहाँ दूसरे लोगों को टिकट दे दिया, तो मुस्लिम समाज तो उनसे वैसे ही नाराज है, तो उनको वोट कैसे दे देगा? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे समाज का वोट तो बहुत दूर की बात नहीं, उनको अपने यादव समाज के बारे में सोचना चाहिए कि वो वोट उनको पूरा मिल रहा है नहीं मिल रहा है। यदि वो अंबेडकरवादी होते तो बाबा साहब के नाम से जो हमने जनहित की अनेकों योजनाएं बनाई हैं, तो उन योजनाओं के नाम वो नहीं बदलते जब वो सत्ता में थे। और इतना ही नहीं, भदोही जिले का नाम हमारी सरकार ने संत रविदास जी के नाम से रखा था, वो तो नाम उन्होंने बदल दिया, भदोही कर दिया। तो ये नकली अंबेडकरवादी है, असली नहीं है। बीएसपी को क्या उम्मीद है? 10 मार्च की जो नतीजे आएंगे वो कैसे होंगे? बीएसपी को पूरी पूरी उम्मीद है कि बहुजन समाज पार्टी सन 2007 की तरह इस बार अपना रिजल्ट लाएगी, अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगी और अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाएगी। भैया ये जो अभी तो सपा जो सरकार बनाने के सपने देख रही है, इनका सपना चकनाचूर हो जाएगा। आप लोग अच्छे प्रकार से जानते हैं कि जब जब समाजवादी पार्टी सत्ता में रही है तो सपा सरकार के दौरान सबसे ज़्यादा उत्पीड़न दलितों का हुआ है, पिछड़ों का हुआ है, और ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ गरीबों का हुआ है, और अपर कास्ट समाज में से ब्राह्मण समाज का भी उत्पीड़न बड़े पैमाने पर हुआ है। तो अभी तो वो सब केवल बयानबाजी से ही उनके जो फॉलोवर्स हैं, जो उनके अनुयायी हैं, उनके दिमाग खराब हो गए। अभी तो वो सत्ता में भी नहीं आए हैं और आने वाले भी नहीं हैं, क्योंकि जनता यूपी की सब देख रही है कि सपा जब जब पावर में रही है तो यहाँ गुंडागर्दी, माफियागर्दी, जुल्म जाती और गरीब लोगों के ऊपर उत्पीड़न चरम सीमा पर रहा है और दंगे भी खूब हुए हैं। मुजफ्फरनगर का कांड इस बात का जीता जागता उदाहरण है, ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो इसलिए समाजवादी पार्टी को तो यूपी की जनता रिजल्ट आने से पहले नकार चुकी है, यूपी की जनता, क्योंकि उनको मालूम है कि सपा शासन का